वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो हमारी बात हो रही है अनुषा मुश्ताक से शी इज अ अप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हम इनसे पूछेंगे आज अनुषा जैसे मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ ना तो उसमें बड़ी जॉइंट फील्ड है मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंस एचा इनको बहुत सारी ना हाइप मिलती है लेकिन कॉप कम्युनिकेशन की इतनी हाइप नहीं है क्या ये स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते या फिर टीचर्स और एजुकेशन सेक्टर की तरफ से इस पर इतनी रोशनी नहीं डाली जाती या मार्केट में जॉब्स अवेलेबल बहुत कम है लेकिन मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा है कि कॉर्प कम्युनिकेशन का होना अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड वन टाइम बहुत अच्छा है कॉर्प कम्युनिकेशन से फोर टू फाइव फोर टाइम्स मैंने बेहतर होते देखा है आप क्या कह, क्या कहना है स्टूडेंट क्यों नहीं आते एजुकेशन इधारों का क्या रोल है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये और अच्छा हो सके जी अच्छा जी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग एंड अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी ठीक है आप मुझे बताएं आपने मार्केटिंग पढ़ी आपने फाइनेंस पढ़ा hmm. आपने डेफिनेटली अपने जो बैचलर्स है मास्टर्स जिसमें भी उसमें आपने कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है? जी जी हमने कम्युनिकेशन बिजनेस का बिल्कुल ठीक है पढ़ा मसला नहीं है ओके okay. उसको जिस तरीके से पोजीशन किया जा रहा है वो मसला है स्टूडेंट्स को बिजनेस कम्युनिकेशन का पता है स्टूडेंट्स को ओरल कम्युनिकेशन का पता है बहुत हाई डिप कोर्सेज हैं थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन इवन जो स्टूडेंट सेमिनार अटेंड करते हैं कम्युनिकेशन की तो इतनी अब ई क्यू की कम्युनिकेशन की इंटरपर्सनल स्किल्स की uh -huh. बहुत बात होती है wow. बहुत बात भी होती है बहुत सारे नरेटिव uh, भी ऐसे हैं जहाँ पे यू you नो know, आपको स्पेसिफिकली भेजा जा सकता है इसमें लीडरशिप की जो प्राइम uh, रोल्स हैं जिसमें uh, आपकी जो कोर्सेज

इन दोनों में से बात शर्ते द सेकेंड मन इज स्किल्स यू वुड हैव सीन इन है यार ये इस पोजिशन में बैठा है इसको काम इतना आता नहीं है पता नहीं। कैसे बैठा पता लग जाता है वैसे <laughs> 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 कैसे बैठा हुआ इंटरपर्सनल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यू में वो आपकी हार्ड स्किल एक हद तक ही चेक कर सकता है आप जो जन्डा गाड़ते हो वो आप सॉफ्ट स्किल्स की बेस पे करते हो तो हमारी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा बात होती है इस पे कम्युनिकेशन पर उसको ब्रांड इस डिपार्टमेंट को सही तरीके से नहीं किया जाता कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ होल फील्ड जो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसपे स्टूडेंट्स को जॉब भी मिल सकती है सिर्फ कम्युनिकेशन पे काम करके लेकिन इवन यू नो इम्प्रोवाइज अदर एरियाज ऑफ देयर फील्ड तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि इसको हमने ब्रांड सही तरीके से नहीं किया वह एग्जिस्टेंस है कम्युनिकेशन पे बात होती right. है कोर्सेज हैं जो पढ़ाए जाते हैं वैसे अगर मैं आप पूछ किसकी जिम्मेदारी है मतलब ये जो प्रोफेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसको हाइप क्रिएट करना है इनकी या फिर तालीमी इदारों की जिम्मेदारी बनती है इसकी हाइप क्रिएट करने की जैसे आप प्रोफेशनल में बड़ी जबरदस्त बात कर रही हैं और यही अगर मैं क्लिप स्टूडेंट को दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि इनको कन्फ्यूजन है कि रंजीत सर हम मार्केटिंग में जाएं हम प्रोडक्ट साइड जाएं अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग मुझे भी नहीं पता इस बात का तो आप क्या समझती हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल For this to create the hype for communication department, it has to be a two-way effort. Okay. Sirf professionals kar sakte. We don't really develop the course uh, manuals or kuch aisa. Right. Sirf universities bhi nahi kar sakte. I think a corporate sector ko. यूनिवर्सिटीज के साथ अलाइन होके वी नीड टू समी रीब्रांड द एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन दैट आर कोर्सिस और लॉन्च न्यू टू दिस फील्ड जिसमें स्टूडेंट्स को हम uh, बताएं जैसे अच्छा बोलना एंड अच्छा लिखना स्टूडेंट <laughs> होते हैं ना बहुत सारे जो अच्छा बोल रहा होता है लोग उसको कहते हैं यार एंकर बन जाना oh, यार पी आर में चले जाना oh. जो अच्छा लिख रहा होता है लोग कहते हैं कॉन्टेंट राइटिंग में बड़ा पैसा आज बल यू नो टेक फॉरिन क्लाइंट्स अपवर्क पे जाओ फेवर पे जाओ

You have the skill set to build interpersonal relationships. You have the skill set to go and speak on forums. you have the skill set to you know build narrative, build Karna storytelling Karna and all of that. So combined a combination of all of that is corporate communication and I think it, it is not correctly represented to the students.

पिकअप के आपने कौन सा ए आई यूज करना है मेन थिंग इज टू गि राइट प्रोम इंजीनियरिंग करेक्ट प्रॉम्प्ट देना चैट जीपी टी इन माई ओपिनियन और एक्सपीरियंस इज एक्सलेंट फॉर प्रोफेशनल राइटिंग जेमेना बाई गोगल इज एक्सलेंट फॉर क्रिएटिव राइटिंग सच यूल फील लाइक यू टॉकिंग टू वेरी सैसी ह्यूमन उतना मजे काल्प फ्रॉम दैट plexplexlessity.ai uh, है वो उसका स्पेसिफिक काम है टू गिव यू सर्च द एंटायर वेब और उसका जो डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इन सबसे ज्यादा है यस yes, यस yes, yes. तो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग इफ यू आर आस्क क्वेश्चन कि फला सदी में 10000 बीस में ये ये हुआ था मुझे इसका बताओ क्या था क्या हो?

Yeah, you're writing for a specific digital forum, so you need to tell it to behave like a social media expert, right? And write me this and this, and then you need to tell if it's a personal post. Okay. So then you need to inform them that I am, a, say, a professional, okay. and I have done this, and this is my background. Now you need to behave as me, who's a comms expert, okay. and give me a certain, you know, two three lines on the set. Amazing. So that is how you use it, giving it the right prompt.

और किसी ने कहा है कि आप रिप्लेस नहीं किए जाएंगे अगर आपने ए को नहीं समझा और ए को ना समझ के आगे बढ़ गए तो आप रिप्लेस किए जाएंगे सो ए हमें रिप्लेस नहीं करी ए उनको रिप्लेस करेगी जो ए को चलाना नहीं चाहते yes. so एक और क्वेश्चन करते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं हाउ डू यू डेवलप कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर न्यू कैंपेन्स एंड इनिशिएटिव जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कैंपेन डेवलप किया इनिशिएटिव डेवलप किया उसकी बात बताएं और कैसे डेवलप किया क्या उसके अंदर चीजें थी ताकि आपकी वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एलिमेंट नजर आए जो आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा है जी अच्छा तो देखिए वैन यू डेवलपिंग अ कैंपेन सो यू नीड टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ठीक है तो पहला सवाल तो हमेशा होना चाहिए मेरी ऑडियंस क्या है तो मैंने जब मैं मैसेज बिल्ड करना शुरू कर रही हूँ mm -hmm. मुझे पता होना चाहिए दैट मैसेज इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन हु इज इट फॉर because i cannot give you the same message use the same tone use the same key terms mm -hmm. if you are in the age group of 50 to 60 right. i me cannot use the same thing for an age group of the younger generation right. 25 to right. 24 similarly mera iska mujhe roi kya chahiye roi kya generate karna hai uski base pe bhi mera campaign shape hoga mujhe call to action primarily kitna bada dena hai ya ye awareness campaign hai sir right to ye bahut कैटेगोरिकली नीड टू फर्स्ट ऑडियंस सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे इससे आर ओ आई जनरेट करना है मुझे सिर्फ अवेयरनेस डिवेल्प करनी है मुझे गुड विल स्टेब्लिश करनी है ब्रांड की मुझे करना क्या है या मुझे जस्ट अपनी स्टोरी क्राफ्टिंग करनी है अपना एक नेरेटिव बिल्ड करना सोफ आफ्टर ऑडियंस देन इट्स योर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाता है माई की प्लेटफॉर्म्स जो पिछले दो पर डिपेंड करते हैं okay. सो यूर प्लेटफॉर्म अगेन फॉर यंगस्टर्स हु आर अभी जेन जी एकदम टिकट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टिकटॉक नहीं कोई सोचता ज्यादातर डिजिटल करते बट उनका जो सबसे ज्यादा ऑडियंस वाइज रीच है जेन जी पेट्स टिकट राइट उसके बाद के बाद इट्स इंस्टाग्राम सो यूर स्टैंडर्ड फेसबुक यूर स्टैंडर्ड ये ये सब डोट डजेंट वर्क अगर मेरा फोकस स्पेसिफिकली ऑन लीडरशिप प्रोफाइल्स है मुझे कैंपेन ऐसी लॉन्च करनी है आप लिंकड पे जाओगे उनका कोई काम नहीं है वो कैंपेन आपने इंस्टाग्राम पे चला दी तो कोई काम नहीं है उसका oh. वो होंगे ही नहीं ज्यादा एग्जैक्टली सो अगेन चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन योर ऑडियंस एंड योर ऑब्जेक्टिव कि उसको मैंने कह दिया अगर मैंने उसमें सी टी ए डालना है जो मुझे एक लैंडिंग पेज पर मेरी वेबसाइट में लेके जा रहा है प्रोडक्ट्स दिखा रहा है या जो भी कर रहा है उसके लिए मुझे सी टी ए बहुत बोल्ड करके oh. दिखाना है कि आपने इसके बाद यहाँ जाना है मैंने मैसेज बीच में आधा छोड़ दिया, क्या बात है Because again, इसमें मैं अगर साइकोलॉजी से हवाले से भी रिलिंक करूँ तो दैट इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट ठीक है रिसेंसी इफेक्ट एंड प्राइमरी इफेक्ट दोनों होते हैं तो इसमें ये बात होती है कि पहला प्राइमरी इफेक्ट जो चीज मैंने शुरू में कही है ना mm -hmm. मुझसे इसलिए हमेशा जब कहते हैं इंटरव्यू में जाओ ना अच्छी बातें पहले अपनी बता दो रिसेंटली मैंने चीज देखा होगा उतना ज्यादा रिकॉर्ड होगी अगेन सो इन लाइक कंटिन्यूसली शोइंग इट अगेन एंड अगेन एक कोई यार्ड होगा जो आपने बहुत ही देखा होगा आपको याद होगा तो उस बिकॉज आपने अभी नहीं तो आते हुए कहीं देखा होगा चलते हुए कहीं सुना होगा सो तो ज़हन में रहती है yes. तो वो स्टेब्लिश करते तो अगेन कमिंग बैक टू दैट इज प्लेटफॉर्म चूज कर लिया उसके बाद आपने अपना मैसेज क्राफ्ट कर लिया एंड देन मैसेज क्राफ्ट करने के बाद यूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म कैन राइट अब इसके हवाले से इफ आई टॉक अबाउट समथिंग वैसे तो आप डन लॉट ऑफ टी वी सीज डी वी सीज इवन एंड इवन इंटरनल कम्युनिकेशन की जब बात बात आ जाती है सो आई वुड लाइक टू मैं चलें एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों में से आप एक इंटरनल दैट जस्ट केम टू माई माइंड आई लाइक टू इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम मैं वर्किंग एंड आजकल जो हॉट uh, टॉपिक है ना दैट इज़ डी आई कम्युनिकेशन की फील्ड में एच आर की फील्ड में diversity equity and inclusion is on the rise right yeah. so many si organizations i see who are celebrating diwali who are celebrating christmas who are celebrating new year's who are hiring interns with special abilities and all of that right but what um, what i did out of that was that i decided that we need to put all of this because primarily dih or अब उसमें कम्युनिकेशन अपना इनपुट कैसे दे सकते हैं सो वॉट आई डिड वज लेट्स बिल्ड एन एंटायर कैंपेन आउट ऑफ इट जिसका मैं लोगो बनाऊंगी जिसका मैं नाम दूंगी जिसके नाम के हिसाब से देन वील हैव अ टेम्पलेट फॉर पोस्टिंग उस कैंपेन के हवाले से एंड Everything that you're already doing since a lot of years because I, that needs to come under a certain umbrella. Mm -hmm. This key story nine. So my logo will have a story mm -hmm. and that is going to again build on my brand's organization's Goodwill as a whole and my employer brand. Because Goodwill directly links to your employer branding. So all of that just by you're doing it already, but just accumulating all of that under a certain campaign mm -hmm. that brings a lot of weightage to say. what you see right. there is um, also this one thing, like dvc tha tha, uh, that uh, i was a part of for the 14th august campaign. Right. it was like a few years back that we did. Mm -hmm. just me, we specifically took down syndrome uh, kibatchi and the narration jo tha, it was, i don't remember the exact but it was built around pakistan, so maybe you pakistan, you're taking disabled kids and you're making them, uh, you know, uh, to, that is also directly linked with inclusivity.

And now I will be energetic. Yes. Sir. I will start being energetic. <laughs> 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 so, this is your me too product. Psychology. So something that is I just have a love of it. I I had two clear paths. So I did business, BBA after that. I cannot tell you how much I've heard you should do an MBA. bba BBA, MBA, 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 MBA. And this was the one subject where I, you know, this was uh, the inner rebel in me who said, I'm not going to sit through two more years for a piece of paper.